हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये टॉप बनाना है तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाना। इस तरह से हमें कपड़े लेने हैं, चारों कोना हमारा बराबर होना चाहिए और फिर यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से हमें कपड़े पर भी फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सीधी कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमारा ये राउंड इस तरह से बन जाएगा। फिर इस तरह से हमें फिर से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें गले की कट करनी है, तो यहाँ पे मैंने गला कट कर लिया और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए अब हमें अपनी आस्तीन की नाप लगानी है। तो यहाँ से मुझे रखना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से जहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है इसे कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद हमारा इस तरह से कुछ फ्रॉक बनकर रेडी हो गया। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही जल्द बनने वाला ये टॉप है। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। तो सेम वही तरीके से हमें ये कपड़े पे कट लगाना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा इस तरह रख कर कट कर लिया। यहाँ पर मैं गले, छोटा सा गला बनाना है तो गला भी कट कर लिया और फिर इस तरह से मैंने फोल्ड किया। कहीं पर इसे हमें सिलाई नहीं लगाना, सिर्फ 2 सिलाई में हमारा ये कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मुझे चेस्ट का निशान लगा लेना, जितना मेरा चेस्ट है उस हिसाब से हमें लगा लेना है और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 7 इंच हमने आर्मोल भी लगाया था और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है और निशान पे हमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से हमें बीच का ये कपड़ा कट के निकाल लेना है। तो यहाँ पर कटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है इसे कट करना और सिलना भी बहुत ही आसान है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इससे इस तरह से सिलाई लगाते हैं। नीचे है हमारा राउंड अम्ब्रेला कट, तो मैं पीको लगा लेती हूँ। पूरे में हमें पीको लगाना है, आस्तीन पर भी हमें पीको लगा लेना है और नीचे भी। तो इस तरह से मैंने पीको करके बनाकर रेडी कर लिया। साइड से हमने सिलाई लगा लिया है, गले भी बनाकर रेडी कर ली हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।